नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लास्टीज देख रहे हैं। बिहार की मिट्टी में कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है पटना में। और तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो पूरे भारतवर्ष से आए हुए खिलाड़ी हैं वो सभी अपने अपने किस्मत को आजमा रहे हैं, अपनी मेहनत से, अपने लगन से जो यहाँ पर खेल हो रहा है। देखिए किस तरीके से बहुत ही दिनों के बाद नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप का जो आगाज़ है वो पटना में हुआ है और 3 दिवसीय कार्यक्रम है। 3 दिनों तक ये कार्यक्रम चलेगा। आप खिलाड़ियों को देखिए किस तरीके से जो पूरे भारतवर्ष से खिलाड़ी आए हैं, हर जगह से आए हैं, देश के हर कोने से आए हैं। और बिहार में ये जो छवि है ये दिख रही है, देश की जो एकता है, जो अखंडता है, जो देश की वीरता है वो कहीं ना कहीं बिहार में दिख रही है। आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस का दिन है, 71वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी यहाँ पर पहुँचे हुए थे और जो नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप के जो आयोजक हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, बृजभूषण शरण सिंह सांसद भी हैं, इनसे हम थोड़ी बात करते हैं। आपने यह आयोजन कराया है सर, खिलाड़ियों में पहली बात कितनी उत्साह है? बहुत ज़्यादा उत्साह है। अभी आपके सामने मेडल की पहली कुश्ती हुई है और ये बड़ी सौभाग्य की बात है कि बिहार का लड़का जो है मेडल प्राप्त किया है। पहला मेडल बिहार को गया है। देश के हर कोने से लोग आए हैं लेकिन बिहार के ही एक लड़का जीत गया है। ये 27 टीमें यहाँ पर भाग ले रही, 24 राज्य और 3 सेना सहित मतलब 27 टीमें भाग ले रही हैं और 27 टीमों के बीच में लगभग 700 खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, उसमें से एक बिहार का लड़का मेडल, पहला मेडल बिहार को गया है। पहला मेडल बिहार को गया है तो अच्छी बात है, बिहार की मिट्टी में हो रहा है। आप तो पूरे देश में कराते हैं लेकिन कितना अच्छा लग रहा है अभी बिहार बहुत दिनों के बाद आए हैं? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है और इस जो ये चैंपियनशिप और इसका बहुत आने वाले समय में बहुत असर पड़ेगा। क्या आने वाले समय में युवाओं को इस खेल से उम्मीद है कि ये उनके जीवन को और संवारेगा और उज्ज्वल देगा, क्योंकि उस समय क्योंकि क्रिकेट जैसी प्रतियोगिताएं भी हैं उसे भी लोग अपनाते हैं, तो इस बीच कुश्ती को कितना महत्व देना चाहिए? देखिए दुनिया में 12-13 देश, 15 देश, 20 देश क्रिकेट खेलते हैं और हमारे वर्ल्ड चैंपियनशिप में 130 देश, 132 देश भाग लेते हैं, तो क्रिकेट की तुलना जो है कुश्ती से ना करें। क्षमा चाहते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि पहले तो क्रिकेट की तुलना कुश्ती से ना करें और हम ओलंपिक में मेडल लेकर के आते हैं, वर्ल्ड चैंपियनशिप में मेडल लेकर के आते हैं। उनका जो वर्ल्ड चैंपियनशिप होता है 10-12 राज्यों का होता है, हमारा वर्ल्ड चैंपियनशिप होता है 132 देश खेलते हैं, 130 देश खेलते हैं। और जहां तक सवाल ये है कि इस समय भारत की स्थिति है तो दुनिया के जैसे लड़कियों की हमारी टीम जो है, जो 6 टीमें हैं वर्ल्ड की, विश्व की, उसमें से हम एक हैं और हमारा कुश्ती का स्तर बहुत लगातार इस समय अच्छा चल रहा है। आप बहुत तो हमेशा आयोजन कराते हैं, कितना अच्छा लगता होगा आप भी जब देश के युवा आपके सामने ऐसे बनते हैं, आप खुद उनको प्रोत्साहित करते हैं, मदद भी करते हैं? देखिए हम लोग यहाँ पर बैठ करके कुश्ती नहीं देख रहे, हम टैलेंट देख रहे हैं कि 2020 में किससे उम्मीद की जाए, 24 में किससे उम्मीद की जाए, 28 में किससे उम्मीद की जाए। और यही कारण है कि पिछले बार हमारा कुश्ती से एक मेडल आया था ओलंपिक में और इस बार मैं देश को पाटलपुत्र की धरती से वादा करता हूं कि ओलंपिक में 4 मेडल हमारा आएगा, देश को 4 मेडल मिलेगा। यस, पूरी तैयारी कर ली है आपने? पूरी तैयारी है। खिलाड़ियों ने कमर कस ली है? बिल्कुल कस ली है। देखिए अपने खून पसीने की मेहनत से और अपने लगन से जो खिलाड़ी हैं वह मैदान में डटे हुए हैं। बृजभूषण शरण सिंह ने भी यह दावा किया है कि आने वाले ओलंपिक्स में 4 मेडल इस देश को मिलेंगे। गणतंत्र दिवस के दिन ये किया गया ये वादा, ये दावा पाटलिपुत्र की धरती से आने वाले समय में भारत के भविष्य में एक स्वर्णिम इतिहास जरूर लिखेगा। उम्मीद है जो खिलाड़ी इतने मेहनत से, लगन से खेल रहे हैं यहाँ पर मैदान में, देखिए जो स्टेडियम के चारों तरफ हम दिखाएंगे जो दर्शक दीर्घा है जहाँ दर्शक बैठे हुए हैं वो भी उत्साहित हो रहे हैं और इस खेल का जो आयोजन किया गया है पटना में इसकी कहीं ना कहीं युवाओं को बहुत उम्मीदें हैं, इनसे युवाओं को बहुत उम्मीदें हैं और भी जितने लोग हैं वो सभी मंच पर बैठे हुए हैं और उत्साह के साथ देखिए नज़रें टिकी हुई हैं मैदान पर। खेल तो वो रहे हैं लेकिन नज़रें इनकी वहाँ से हट नहीं रही हैं, पलक झपकने का नाम नहीं ले रही हैं और एक उत्साह, एक उमंग पाटलिपुत्र की धरती से जाग उठा है। नेशनल रेसलिंग चैंपियनशिप का आगाज़ हो चुका है, 3 दिवसीय कार्यक्रम चलेगा और सभी जितने बिहार के नेता हैं वो भी यहाँ मौजूद हैं। बिहार की मिट्टी में जब पहला पदक यहाँ पर जो खेल हो रहा है उसमें बिहारी ही, ये देखिए पलके वो एकदम टिका कर बैठे हुए हैं। आप अभी ये देखिए कि थोड़ी देर पहले ही बिहार का पहला मेडल आया है जी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें खिलाड़ी का बहुत बड़ा योगदान रहा,
संघ की भी एक भूमिका है, लेकिन जितनी भूमिका खिलाड़ी की है उतनी भूमिका किसी की नहीं होती। आप देख रहे होंगे कि खिलाड़ी के मुंह से खून भी निकल रहा था, लेकिन जिस जज्बे से वो लड़ा वो अपने आप में उसकी इच्छा और उसके मनोबल की व्याख्या खुद करता है। आने वाले समय में जैसा कि बृजभूषण शरण सिंह ने जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने ये वादा किया है कि ओलंपिक्स में भारत को इस बार 4 मेडल दिलाएंगे, तो कितना लग रहा है बिहार से कितना मेडल जाएगा? देखिए अभी बिहार को ये सोचना चाहिए कि नेशनल्स में कितना मेडल आएगा। इतना ऊंचा ख्वाब अभी बिहार को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हम लोग ये जान रहे हैं कि हमारी अभी ज़रूरत ये है कि नेशनल्स के अंदर हर कैटेगरी के अंदर, मतलब अगर कैडेट हो, सीनियर हो, जूनियर हो, सबके अंदर कम से कम 5-5 मेडल आए। नेशनल रेसलिंग अभी हो रही है यहाँ पर चैंपियनशिप, तो पहला मेडल तो बिहार ले गया। 5, हम तो 5 चाहेंगे कि कम से कम 5 मेडल आए। देखिए दावे किए जा रहे हैं कि बिहारी भी अब अपना जो दमखम है वो दिखाएंगे, और प्रतियोगिता आप देख रहे हैं जो जितने सारे वहाँ पर प्रतिभागी हैं, प्रतियोगी हैं, वो सभी तैयारियां कर रहे हैं और उनकी फिटनेस की जांच की जा रही है, उसके बाद ये जो मुकाबला है वो शुरू हो जाएगा, सेमीफाइनल मुकाबला है वो शुरू हो जाएगा। आप लाइव सीरीज देखते रहे, प्रतियोगिता चल रही है, मनोरंजन हो रहा है, लोग पलके टिकाए वहाँ पर खड़े हैं ताकि ये जो रोमांच वाला खेल है जिसमें वो खुद अपनी भागीदारी दिखा रहे हैं उसे वो देख सकें, महसूस कर सकें। इस गणतंत्र दिवस के दिन वह यहाँ पर आए हुए हैं, लोगों का जो अपार समर्थन है वो इसे मिल रहा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।